ये तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हेड ऑफ द स्टाफ को प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं किसके, स्टाफ के, पीएमओ में। पीएमओ में जो स्टाफ होता है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कौन, क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इनमें से आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, पी के मिश्रा। तो पी के मिश्रा जो फिलहाल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, 1972 बैच आईएएस ऑफिसर हैं वो। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस कैडर से बिलोंग करते हैं? गुजरात से, गुजरात से बिलोंग करते हैं वो। तो ये इसमें हमारे, हम कह सकते हैं कि हमारे तीन क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कौन, उसके बाद उसका काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं स्टाफ के, और 1972 बैच आईएएस ऑफिसर हैं गुजरात से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस के गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पंजाब जो है वो कहाँ की प्रोविंस है? पाकिस्तान की। तो बॉर्डर के पार जो पंजाब है उस प्रोविंस के गवर्नर कौन है? अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे अब जब जानते हो कि 9 नवंबर को पाकिस्तान के साथ भारत ने एक नया कॉरिडोर खोला है जिसका नाम है करतारपुर कॉरिडोर। तो उस करतारपुर कॉरिडोर के खुलने में और उस पूरे प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन में इन गवर्नर का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पाकिस्तान पंजाब के प्रोविंस के गवर्नर का नाम क्या है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, तो सही आंसर है मोहम्मद सरवर। तो मोहम्मद सरवर जो है वो पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस के गवर्नर हैं। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईबीएम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसी स्टेट के साथ, किस चीज़ के लिए साइन किया है? ताकि स्टूडेंट्स जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, उनको स्टेम में एजुकेट किया जा सके। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पहले हमें यह समझना होगा कि स्टेम क्या है, ठीक है। तो आईबीएम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसी स्टेट के साथ ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एजुकेट किया जाए जा सके। तो अब स्टेम क्या है? स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स। तो आईबीएम ने ये एक स्टेप लिया है स्टेम में एजुकेट करने के लिए। तो इसका मेन मकसद क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि आईबीएम ने किस स्टेट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को एजुकेट करने के लिए। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। तो पंजाब के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टेप में 35 स्कूल्स के बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, जिसमें जिसमें क्या होगा, 8,000 गर्ल्स होंगी और 2,500 बॉयज़ होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो गर्ल्स की होंगी। तो इनको चार सब्जेक्ट में एजुकेट किया जाएगा। उसके बाद मेन जो है वो ये भी है कि पंजाब के अमृतसर, अमृतसर और दूसरा है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों
डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें समझने वाली बात ये थी कि हमें स्टेम के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद 35 स्कूल्स पहले स्टेप में कवर किए जाएंगे जिसमें से 8000 लड़कियां होंगी और 2500 बॉयज़ होंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में से स्टार्ट किया जाएगा, अमृतसर और तरन तारण। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे अब जब जानते हैं कि करंट अफेयर्स में IBM की बात हो रही है, तो हमें IBM के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे पहले IBM है क्या, IBM का क्या मतलब है? इसका मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस। कोई गेस आगे? मशीन्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ठीक है, तो IBM का पूरा नाम ये है। तो ये कंपनी 1911 में कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? 1911 में ये न्यूयॉर्क में स्टार्ट की गई थी। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। तो हेडक्वार्टर इसका IBM का न्यूयॉर्क में है। तो इसके अलावा आप सब जानते हो ये अराउंड 177 कंट्रीज में अपनी सर्विस दे रही है सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और बहुत सारे हार्डवेयर, मिडलवेयर, बहुत सारी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है। तो हमें ये बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल यूनिटी डे, इसका आंसर है ऑप्शन बी 31 अक्टूबर। अब इसी क्वेश्चन के आंसर से सिर्फ बात नहीं बनेगी, तो हमें पूरा पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि ये जो दिन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर ये दिन मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, ये किस ईयर से मनाया जा रहा है? तो ये 2014 से मनाया जा रहा है। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब से BJP गवर्नमेंट बनी है इंडिया में, तब से ये मनाया जा रहा है। 2014 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार मनाया गया था। तो एक चीज़ और इसमें जाने लायक है, वो ये है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144th बर्थ एनिवर्सरी थी, 144th उनका बर्थडे था ये। तो उस दिन पे 31 अक्टूबर 2019 को ये 144th उनका बर्थडे था, तो उस दिन। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक नाम दिया गया था उनके काम की वजह से जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में किए हैं। तो वो क्या है, उनका एक नाम था जिसकी वजह से उनको जाना जाता था, वो था आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके किसी भी स्टैटिक एग्ज़ाम में, SSC में ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है जो आ सकता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसके नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो क्या क्या चीज़ें आपकी कवर हुई हैं इस क्वेश्चन में? सबसे पहला तो जो क्वेश्चन हमने डाला है, उसके बाद किसके नाम पर ये यूनिटी डे मनाया जाता है, वल्लभ भाई पटेल से, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मनाया जाता है। तीसरी बात, कब से मनाया जा रहा है, 2014 से। ये कितनी उनकी बर्थडे एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, 144th बर्थडे था उनका जो मनाया गया था। उसके बाद जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, वो है आयरन मैन ऑफ इंडिया। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2019
किसको मिलने जा रहा है? व्यास सम्मान 2019 का विजेता कौन है 2019 में? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को मिलने जा रहा है व्यास सम्मान 2019। अब थोड़ा सा नासिरा शर्मा के बारे में जान लेते हैं। उनको किस वजह से, किस रचना की वजह से ये अवार्ड मिला है? तो ये बहुत ही ज़रूरी है, वो है कागज़ की नाव। कागज़ की नाव की वजह से इनको ये प्राइज मिला है। इसके अलावा इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको किस वजह से मिला था? वो मिला था परिजात की वजह से। परिजात की वजह से इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये साहित्य एकेडमी अवार्ड था और ये जो अवार्ड है कागज की नाव व्यास सम्मान इनको कागज की नाव की वजह से मिला है। अब इसकी, इसके बाद हम बढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए कि व्यास सम्मान है क्या, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है और व्यास सम्मान है क्या। ठीक है, तो व्यास सम्मान कौन देता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है 3.5 लाख रुपए कैश। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्यास सम्मान के लिए एलिजिबल राइटर वही होगा जिसकी रचना हिंदी में होगी। हिंदी कंपलसरी है, तो हिंदी कंपलसरी है इस सम्मान के लिए एलिजिबल होने के लिए। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये अवार्ड 1991 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कब हुआ इसका? 1991 में। तो इस क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन कवर होते हैं? एक तो ये मेन क्वेश्चन है जो हमने जाना कि नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान 2019 मिला है, किस वजह से मिला है? कागज़ की नाव की वजह से। इसके अलावा नासिरा शर्मा को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, वो पारिजात के लिए। और व्यास सम्मान 2019 या व्यास सम्मान जो है वो किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ? 1991 में। इसके अलावा कैश प्राइज होता है 3.5 लाख। किस लैंग्वेज में दिया जाता है? हिंदी लैंग्वेज में। तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि एक्टर जॉन विदरस्पून, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? हमें कंट्री बतानी है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, जॉन विदरस्पून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अल्टरनेट भी हो सकता है कि जॉन विदरस्पून जिनकी डेथ हुई है वो क्या करते थे, तो वो एक्टर थे। तो अब हमें बताना है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, वो यूएस से बिलोंग करते थे। उनकी डेथ कब हुई है? 29 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई है ये। और वो बहुत सारी फिल्म्स और टेलीविज़न शो पे काम कर चुके थे। तो उनका सबसे पॉपुलर शो था फ्राइडे, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट शो था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि नए चीफ कौन बने हैं IAEA के। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा, IAEA है क्या। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, तो हमें पता होना चाहिए कि IAEA क्या है। तो अब हमें इसके नए चीफ, जिसको डायरेक्टर जनरल कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑप्शन है ए रफेल ग्रॉसी। तो ये नए चीफ बने हैं। इसके बाद हम थोड़ा जानते हैं IAEA के बारे में, कब एस्टेब्लिश हुई थी ये।
1957 में एस्टेब्लिश हुई थी, 1957 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसके कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स कितने हैं, 177 मेंबर्स हैं इसके। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर आईएई का कहाँ पे है, वियना में। वियना में इसका हेडक्वार्टर है, कौन सी कंट्री, ये तो पता होगा, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो इसके बाद क्या भारत इसका मेंबर है, क्या भारत आईएईए का मेंबर है? जी हाँ, भारत इसका मेंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि भारत इसका मेंबर है। तो अब जानते हैं हम थोड़ा सा राफेल ग्रॉसी के बारे में। राफेल ग्रॉसी कहाँ से हैं, ये इम्पोर्टेंट है, अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना से हैं ये। तो इसके अलावा वो अर्जेंटीना की तरफ से बेल्जियम के एम्बेसडर रह चुके हैं। शायद ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जनरल नॉलेज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हर चीज़ जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेल्जियम के एम्बेसडर रह चुके हैं। तो दैट इज इनफ अबाउट दिस क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली थाईलैंड की विजिट की है, थाईलैंड की विजिट की है, 3 दिन की विजिट थी ये, 3 दिन की विजिट थी ये, और 2 से 4 नवंबर, 2 से 4 नवंबर तक की ये विजिट थी। और हमें ये बताना है कि पीएम कौन है थाईलैंड के। तो थाईलैंड के पीएम कौन है, ऑप्शन ए प्रयुत्री चैनोचा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इनफ नहीं है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे हमारा टॉपिक कवर होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एशियन क्या है। तो एशियन मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो जीके के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि एशियन क्या है, एसोसिएशन किसकी, ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो कितने मेंबर्स हैं इसके, जल्दी जल्दी जान लेते हैं, 10 मेंबर्स हैं इसके। क्या भारत मेंबर है इसका, भारत एशियन का मेंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, एशियन का मेंबर नहीं है। उसके बाद ये जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडोनेशिया में कहीं, और आपके गेस के लिए बता देता हूँ, इंडोनेशिया में है कहीं, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो एशियन के बारे में हमें जाना है, 3 दिन की विजिट थी, 2 से 4 नवंबर उन्होंने एशियन समिट अटेंड करना था। क्यों करना था, इंडियन एशियन समिट, तो भारत के साथ एशियन समिट, एशियन समिट होता है एक, ठीक है, तो जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, 10 मेंबर्स है इसमें, हेडक्वार्टर जकार्ता में है। तो ये थाईलैंड की जो 3 डे विजिट थी, उसमें 2 और चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि एक तो नरेंद्र मोदी जी ने ईस्ट एशिया समिट अटेंड करना था, पहला तो हम बात कर चुके हैं एशियन समिट अटेंड करना था, दूसरा है ईस्ट एशिया समिट था, और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की डेट में ये क्वेश्चन है, किसी भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, RCEP, सबसे पहले RCEP क्या है, इसके बारे में नेगोशिएशन थी जो अटेंड करनी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ये नया ग्रुप बना है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जानते हैं, RCEP है क्या, रीजनल
कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ग्रुप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप सर। तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो इसमें एक्चुअली 16 मेंबर होने थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि इसमें पहले 16 मेंबर होने थे जो नहीं हुआ, क्योंकि 16 में से एक मेंबर जिसने इसका मेंबर बनने से मना कर दिया वो कौन है, 16 में से एक मेंबर जिसने इसका हिस्सा बनने से मना कर दिया वो कौन है, इंडिया। इंडिया इसका हिस्सा नहीं बन रहा। इसी नेगोशिएशन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया इस ग्रुप का हिस्सा बनने के, क्यों, क्योंकि ये FTA को अलाउ करेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। पहले ये था कि 16 मेंबर जो बनेंगे उनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जिसमें ये माना जा रहा था कि भारत को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि भारत पहले ही जो ट्रेड है उसमें बहुत पीछे चल रहा है, तो इसी वजह से भारत ने इसका मेंबर बनने से मना कर दिया। तो अब इसमें कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर कौन कौन से हैं, 10 मेंबर तो कौन से हैं, एशियान वाले, एशियान के मेंबर हैं। उसके अलावा जो 5 मेंबर हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और कौन है, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। तो ये 5 मेंबर इसके अलावा हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में RCEP के बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जितना इसके बारे में जानेंगे उतना ही कम होगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, 8th एडिशन ऑफ इंडो जर्मन एनर्जी फोरम 2019 कहाँ पे हुआ। 2019 का इंडो जर्मन एनर्जी फोरम कहाँ पे हुआ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, न्यू दिल्ली में। तो इसमें भारत और जर्मन में जो एनर्जी फोरम है वो, उसके बारे में डिस्कशन हुई और उसमें 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच, इसका नाम क्या है, इंडिया उज्बेकिस्तान की जो पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन कौन सी आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान की पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कब स्टार्ट हुई है, ये 5 से लेके 13 नवंबर तक। तो कहाँ पे हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तैशकंत में, तैशकंत उज्बेकिस्तान में ये होल्ड हुई। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज सारी ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी स्टैटिक क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो देशों की बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, या ये एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच होती है। तो ये जो तीनों ऑप्शन आपके साथ दी हुई हैं हम इसके बारे में भी जानते हैं। पहले है मित्रा शक्ति, हमारा मित्र कौन है, श्रीलंका। तो ये श्रीलंका के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज। उसके बाद है वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार किसके साथ होती है, वज्र प्रहार होती है US के साथ। उसके बाद मैत्री किसके साथ होती है, थाईलैंड के साथ। तो ये सारे ही क्वेश्चन है, हम एक स्पेशल वीडियो ही बनाएंगे इस पे, जिसमें हम सारे जो एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया होल्ड करता है अपने नेबर्स के साथ या किसी और देशों के साथ, मिलिट्री में, नेवी में या किसी और चीज़ में, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इन चीज़ों पे फोकस करें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है जिसके बारे में IMF ने फोरकास्ट किया है कि उनकी जो GDP है वो 86% बढ़ेगी। 86%
साउथ अमेरिकन कंट्री ऑप्शन में से कौन सी है? ऑप्शन बी गुयाना। गुयाना के बारे में IMF ने कहा है कि इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो GDP है, वो 86% ग्रो करेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2015 में ऑयल रिजर्व फाइंड आउट किए गए हैं। तो ये है कि ऑयल रिजर्व बिलियन हो जाएगी कब, 2024 में, जो फिलहाल 4 बिलियन है। तो 4 बिलियन से 15 बिलियन की ग्रोथ होगी, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद जानते हैं हम थोड़ा सा IMF के बारे में। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। ये क्या पर्पस क्या है, हर एक देश की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देना इन केस ऑफ क्राइसिस। किसी भी तरह के क्राइसिस में IMF हेल्प करता है कंट्रीज की, उनको मॉनिटरी कॉपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और पॉवर्टी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में गरीबी को हटाने के लिए IMF वर्क करता है। तो कितने मेंबर है इसके, 189 मेंबर है IMF के। भारत मेंबर है, ऑब्वियसली भारत मेंबर है IMF का। कब बनी थी ये, 1945 में बनी थी। इम्पॉर्टेंट है ये, मेंबर्स अपडेट होते रहते हैं, बढ़ जाते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। IMF फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, 1945 में बनी थी ये। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाँ जी, कोई गेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है Washington DC में। Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है। लास्ट जो IMF के चीफ कौन है, नाम क्या है? क्रिस्टलीना जॉर्जियावा। क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है, किस चीज के लिए काम करती है ये। पोर्ट्स तो हमें पता है कि ये बॉर्डर एरिया के लिए काम करती है। क्या चीज करती है, क्रिएट करना, अपग्रेड करना और मेंटेन करना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, क्रिएट करना, सब कुछ करना, ये लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। तो दूसरी बात जो जानने लायक है वो ये है कि ये 2010 एक्ट के अंडर बनी थी। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2010 एक्ट के अंडर बनी थी ये, और फॉर्म कब हुई है ये, 2012 में इसका जन्म हुआ है, फाउंडेड इन 2012। तो ये था लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नए चेयरमैन बने हैं इसके, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, आदित्य मिश्रा। कौन है ये, 1989 बैच IPS ऑफिसर हैं ये। IPS ऑफिसर हैं किस कैडर में, UP कैडर में। तो ये सब जानने लायक था लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। हमने जाना है चेयरमैन का नाम, उनके बारे में जाना है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है, 2010 एक्ट के अंडर बनी है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, क्रिएट करना इनका काम है, और 2012 में इसका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक के नए CEO एंड MD कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंडसइंड जो एक प्राइवेट बैंक है उसके नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, सुमित काठपालिया ये नए बने हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आउटगोइंग जो पहले इसके सीईओ थे इंडसइंड बैंक के, या आउटगोइंग सीईओ और एमडी कौन थे, तो ये भी ऑप्शन में अवेलेबल है। रमेश सोबती जो है वो फॉर्मर सीईओ थे किसके, इंडसइंड बैंक के इससे पहले, तो सक्सेसर बने हैं सुमित काठपालिया। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि जेसीबी प्राइज 2019 किसको मिला है लिटरेचर में? लिटरेचर में 2019 का जेसीबी प्राइज किस राइटर को मिला है? तो हमारे पास ऑप्शन है माधुरी विजय, अरुंधति रॉय, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत। तो इनमें से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, माधुरी विजय को जेसीबी प्राइज मिला है। किस रचना की वजह से मिला है उनको, किस बुक की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बुक का नाम है द फार फील्ड, फार फील्ड उनकी बुक है, और बेंगलोर की ये राइटर हैं। अब उसके बाद हम जानते हैं जेसीबी प्राइज के बारे में थोड़ा सा। जेसीबी प्राइज में जो प्राइज है वो 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का जो प्राइज मिलता है राइटर को। किसकी तरफ से ये दिया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें नाम, जो नाम आप सोच रहे हो वही ये है, जेसीबी। जेसीबी एक ग्रुप है, कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, उसकी तरफ से ये फंड किया जाता है ये ग्रुप। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। तो यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई एस्पेक्ट क्वेश्चन का कवर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप उस कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम आपको उसका जवाब देंगे। और अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है या वीडियो में कोई कमी है या कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अगली वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तो धन्यवाद सबका।